मिठे जोर जी अठो वे जड़े बराती वन तो दूल्हे की जी कार है तो एक ना असच लकड़ियाँ इस्तेमाल करने जो सामने बल्दे पे महफल के घोट अज की महफल के दूल्हे कौम तो सदे पे वे यूट्यूब चैनल सरायकी व्लॉग से मैं हाँ नजफ अली। मैं उम्मीद करना कि जितने भी दोस्त मुझे वीडियो दे पन और सारी खरीयत ना होसन अस कर रहे हैं एक बहु ही मज़ेदार जहाँ व्लॉग शुरू तो एक मज़ेदार शेर तू घरों जींदे जी भला कौन वेंद कट दिल विच यार दलील सटें दम छेकड़े ही ना दड़के दे हाँ मां दे वल ना ली सटें तेकू डर है मरसा गल लगसा करें दफन कफन दिलीर सटें जदा दर से तारक मर पवा मेरी लाश को मील ते घील सटें। विवर अज अस मौजूद हैं अपने इलाके दे विच एक दहात की शादी है ते असा जड़े अपने दहात की सौगात या दहात दे रस्मो रिवाज जड़े वो अस अपने व्यूअर नाल शेयर करना चाहते हैं। अज्ज व्लॉग बड़ा ही इंटरेस्टिंग थी वाला है जिन्हें लोगों सारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट्स करें बेल आइकन लाजमी दबावें ताकि हर साड़ी आने वाली वीडियो उन्हें तक पहुँच रहे। व्यूअर तक उस पहले दिशा जो देहात का माहौल होंगे बड़ा खुश रहना होंगे बड़ा खुला होंगे तो उत्थान कें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आती तो सादा निज़ाम होंगे भी अगर कें बेटे या बेटे की शादी हो तो लोग दूर दूर तो दोस्त रिश्तेदार आने तो उन्होंने खाने का इंतजाम भी किया वह रहा है तो क्योंकि लोग ज़्यादा आने तो उन्होंने को देसी निज़ाम है खाने का मतलब अमूमन रोटी वगैरह पकाने वास्ते तो अस एक भट्ठी का इस्तेमाल थे तो भट्ठी जी है असा तक जुल के दिखाने विवर जी ये भट्ठी है तो ये ज़रा वसी होंगी क्योंकि जी रोटी होंगी ज़्यादा तादाद पकती है तो वो कोई इस किस्म की भट्ठी से ये त्रे जवान टाइम इतने रोटी पकें बैठन तो जड़ी रोटी होंगी विवर ये जरा वे साइज की होंगी भई रोटी सटी है इन्हें भट्ठी से एक अस सरेकी तवा भी आदि है लेकिन भट्ठी भी आदि है तो ये इन लिहाज न जी है और रोटी पकती है तो ये ज़्यादा देर मतलब भी 20 मिनटों के एक मण रोट आटे का पका सकते हैं एक मण मतलब 40 किलोग्राम भट्ठी से आटा पक वेंदा है मतलब आसानी थी वेंदी है तो जड़ा इन गैस वगैरह सब को निज़ाम थे तो यह कहना अस इन लकड़ियाँ इस्तेमाल करना जो सामने बल्दे पे जितनी ज़्यादा अग होती उतने ज़्यादा थी रोटी जल्दी पकसी जल्दी तैयार थी सी वाला उनके बाद सालन वास्ते तो देगा वगैरह ये थी जो सामने है चार पई तो ये प्याज कट्टा पे जड़ा ये प्याज है तो प्याज जड़े वसी होंगे तादाद मतलब देग जितना शब्द निज़ाम हो मैक्सीमम 15 देगा 20 देगा 18 देगा एस्टीमेट होंगे मतलब हर बे शोबे का अपना ही होंगे तो ये उनके प्याज है तो जड़े सामने है वो सालन तैयार थे पे ये भाई जुड़ गया है प्याज पावन उस्ताद ये जड़ा है पारो ये लाला जड़ा है ये है यो एक अस कुका दें लेकिन अपनी जबान चु वैसे तो कुका खाते रहता लेकिन असा इको यो दें नैया दें जड़ा है पाई पकड़ने जड़ा व्यूअर ये है चूल्हे क्योंकि मिट्टी कच्ची होंगी है ये जड़ा एक मसनूई चूल्हे जड़े लोहे के बने हुए ये असा ज़्यादातर सालन बनाने वास्ते इस्तेमाल थे इनका कोई मसला नहीं जितना मर्जी जो जहाँ मिल वे उत पक वह मतलब देखो भी सामने दरख्त ये सामने फसल है ये पासे खेत है तो इस पासे भी बड़ी दूर दूर तक आबादी का कोई नामो निशान को नहीं इतना इन्हें अपना निज़ाम एडजस्ट किया हो कुकिंग का इंतजाम किया हो खाने बनाने का बंदोबस्त किया हो जो सैटअप है ये देहात का बड़ा अजीब से बड़ा मुनफरद होता है बड़ा इंटरेस्टिंग होता है तो खाना तकरीबन इस टाइम हर कहीं खा गया है तो जोड़ा ये है ये उमले सुबह सुबह जो मालिक हों जी शादी वगैरह होंगी है या जो जे कुक जो देग पकड़े पैन तो अगर अस कैमरे से नज़र आवे तो असा ये जो है ये देग का अंदर वाला हिस्सा है। हाँ अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ तुम्हारा नाम ओए मोहम्मद बूटा फिर कहते बूटा गाला कटता ये बूटा जी बूटा देग कुकिंग करते कितना अच्छा हो गया 15 साल हो गए वैसे अस खाना खाधे बूटे साहब का तो तुसा सिर्फ महसूस कर सकते लेकिन टेस्ट बड़ा अच्छा है बड़ा प्यारा सामना पका तय खानी है ना लोग तारीफ करते अच्छा इधर कितना गोश्त पकड़े
असल माजरत नाल के बूटे जमा थोड़ी लुकनत कर दी है 10 किलो पकता है। कितना टाइम लगता है जी? 45 मिनट। देख कहते हैं 45 मिनट लगता है, 45 मिनट सालन तैयार कर रहे हैं। बूटा कितना किलो पैदा है जी? 1 किलो। यार साढ़े को 2 किलो पैदा है जी? अच्छे मैं अच्छे 1 किलो पैदा। मोहम्मद बूटा आते हैं भाई, असल सालन जी देख है इन 1 किलो ये पैदा है। तो मिसाले कड़े कड़े पाइज है जी? टमाटर देख दी किस मजदूरी गिनते 500 रुपया यार? पैसे ढेर गिनने बूटा यार, तो ज्यादा नहीं पैसे? नहीं जी महंगाई है। हाँ जी अच्छा महंगाई बहुत हो गई जी। महंगाई बहुत हो गई है? हाँ जी हाँ जी। 500 काफी हो रहा है? हाँ जी। अच्छा जी ये है ना मोहम्मद बूटा जेडे प्रोग्राम दे कुकिंग आई कुकिंग कर दे पैन। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है? खरियत है सर? जितने मेहमान ने खाना खा गए इंशाल्लाह बेहतरीन अच्छे तरीके नाल खाना खादा ने। अच्छा तो पता है सारा देहाती माहौल है थोड़ा जिया। हां हां साडे खावण वाले बंदे जेडे ने अपने इंतजाम अपना है पिया जी। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम अटेंड थी गया। अच्छा जेड़ा साडे सामने कुक खड़े ने नाम मोहम्मद बूटा साडे इंटरव्यू गिन के ते इना के भी साणा बड़ा असा खाना बड़ा टेस्टी बके ने। मैं खुद खा के बड़ा अच्छा पकाने बहुत जबरदस्त खाना भाई बूटा होनी बने ने। अच्छा और बड़ा जबरदस्त लोगों बड़ा पसंद है। वाह जी वाह उस्ताद बूटा दा खाना ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਸਮਾਨ ਲੈਣੇ ਪਏ ਪਹਿਲੇ ਵੀਰ ਕੋ ਦੱਸਾ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਬੂ ਜੋ ਸੀ ਕਈ ਕਿਸਮੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਥਿੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹਨ ਪਏ ਕੋਈ ਪਿਰੇ ਰੇ ਕੋਈ ਮਲਵੇ ਰੇ ਕੋ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਇਵੇਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟ ਚਿੱਕਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਥੀ ਵੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋ? ਨਹੀਂ ਬਸ ਅਗਰ ਪਾਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕੰਮਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਪਣਾ ਲਿਖੇ ਸੋ ਜੀ ਜੀ ਵੀਰ ਤੱਕ ਸੋ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸਹੀ ਬਣ ਜਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਇਹ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲਿਆ ਇੱਥਾਂ ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਆਈ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਰੁਕਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਨੁਮਾਇਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਖਿੰਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅਰਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਜਾ ਕੇ ਖਿੰਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਏ ਪਿਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਲੇ ਘਰੋਂ ਬਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਖਿੰਨ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਨੁਮਾਇਆ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਦੂਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੁਲਹਨ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਾਰ ਕੋ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਤਿਆਰੀ ਹਲੇ ਕਾਨੇ ਸਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਦਾ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਪੱਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਖਿੰਨਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਕਿ ਵੀਰ ਇਹ ਹਨ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਘੋਟ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਦੂਲੇ ਅਤੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਖਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਇਬਤਦਾਈ ਰਸਮੂਆਤ ਹਨ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਦੂਲੇ ਕੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਕੋ ਖਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਲੇਟ ਥੀ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਬਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਨਾ ਸੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਦੂਲੇ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਅਸਾਂ ਪੈਸਾ ਦਾ ਹਾਰ ਪਹਿਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਨੋਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਟਾਈਮ ਗਰਮੀ ਹੈ ਵਜ਼ਾਦਾ ਵਾਲਾ ਬੋਝ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਅਲੱਗ ਰੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਕੁੱਲਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸਾਂ ਮਾਲਾ ਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹ ਘੋੜ ਦੇ ਗੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਜੀ ਸਵਾਲਾ ਵੀ ਘੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਘੋੜ ਦੀ ਮੁਆਮਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਅੰਦਰ ਵੈਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੁਨਾਵਤ ਮੁਆਮਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਿਤਨੇ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਲਾਮੀ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਲੇ ਕੋ ਸਲਾਮੀ ਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਲਾਮੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਵੈਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਦੀ ਅਜ਼ਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਕਰਨ ਹੋਏ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਹਟ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਮੁਨਫਰਦ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਅਲੈਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹੈ ਰਸਮ ਔਰ ਰਿਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਦੂਲੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਜਿਹੜਾ ਥੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ ਨਿਕਾਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੋਂ
लंबी जिंदगी दे अल्लाह ताला आबाद हो शाद रखे ते ई टाइम क्योंकि बारात दी रवानगी बिल्कुल शुरू हो पई ता ए हुन अपने घर वापस वैसे क्योंकि टाइम ई टाइम इतना थी चुका बारात जेड़े जितने लोग बारात ना रहन उना खाना वगैरह खा के ते ए जेड़ा सदा निजाम है इसका दौर दे विच ए जेड़ी है बादशाह रोड दी बादशाह वच ना शुमार आई ता ए सब तो ज्यादा लोगों को आमद रफ दा जेड़ा सारे छोटे शहर सिलसिला आई ता ए राकत बस्ती करंदी ते इंदे तक कमो बैश 60 बंदा जेड़ा सवार थिंदे ते ए बड़ी मजबूत तरीके नाल तैयार कीती वेंदे जेड़ा कोई करंदे ड्राइव करंदे उको सा अपनी जुबान ते उस्ताद आदे ड्राइवरां दे ते जेड़ा इंदा सामने ला व्यू है ओ ए है ता इंदा हारण बड़ा मुनफरिद है जेले कै चक कै शहर या कै मोड़ ते वेंदी ते इंदा जेड़ा हारण है ओ दिल को बड़ा भांदा है लेकिन ओ चीजा ओ रस्म और रिवाज ऐसे खत्म थी चुके लेकिन अज जड़ी बारात है वो इन क्योंकि बारात नाल भी काफ़ी सारे लोग आने जो अमूमन आते रहने रिश्तेदार भेरा भेणी पितरेर ये इस जरिए आते रहना खावन तो बाद एक सारा बिया निज़ाम जो सा अपनी जबान देंद राध्य हैं सलामी आध्य हैं तो जो एक अलहदा एक निज़ाम है जैसे असा नेंद कुलेक्टिंग थी है तो जोड़ा बंदा आसी वो अपना ना लिखे ते अपना ओ लिखे नेंद लिखे सबको नेंद रद है मतलब पैसे लिखे तो वाला जल्ले ओ शादी करे दोस्त भेरा संगति तो असा काफ़ी खोल के ते देख सू भी कितने पैसे दे गया है मतलब वो हज़ार दे गया है असा वाला ऊँ हिसाब नाल नेंद देसूँ असा एक नेंद रद है तो शादी का जोड़ा यह एक भी अहम जुज़ है जिमें घोर के नाल सवाल आता है तो सलामी वगैरह लिखता है तो यह भी जिथा खावण का इंतजाम आता है मतलब जिथा जो शादी हाल आता है जिथा बह के अस खाना तकसीम करने आते बैर एक सैड से यह निज़ाम भी वाजिब आता है लाजमी आता है कि यह निज़ाम किया वाजे ये जो दोस्त हैं इन्होंने को छोटी जी काफ़ी है जैसे चाक पे कर भी कौन कौन आए इतने कलेक्शन थी वी भी कितने दोस्त हैं तो कौन कितने पैसे दे गए ताकि वला जल्द सब सदे असा ये हिसाब देख सू भी सा शादी का एक लाजमी हिस्सा हों आखू भी सा शादी घर है सा शादी हाल है जोड़ा सिर्फ एक दीवार वास्ते चंद मिनटा वास्ते चंद लम्मा वास्ते बल्कि चंद घंटे वास्ते आता है तो ये कोई बड़े खूबसूरत अंदाज नाल असा सजाया क्योंकि सारे जो मेहमान होंगे उन्हें आवना आता है या जितने भी दोस्त होंगे या जितने भी रिश्तेदार होंगे तो आने तो असा कोशिश कर रहे कि जरा यो है निज़ाम एक बड़ा खूबसूरत तरीके नाल डेकोरेट किया वाजे खूबसूरत तरीके नाल सजाया वाजे ताकि सारे मेहमान बह सकन असा जुल के तो विजिट कर वाले तो जोड़ा ये है मुकम्मल कपड़े दे तो एक लाने वास्ते भी एक तैयार करने वास्ते भी काफ़ी सारी मेहनत थी है तो काफ़ी एक्सपेक्ट लोगों की जरूरत पड़ी है जोड़ा ये है ये इन अंदर का व्यू है तो बकायदा कुर्सियां लगी हुई ताकि मेहमान या बिरादरी के जितने लोग आते हैं वो इतना कुर्सियों पर बैठ सकें तो जो सामने है यह दूल्हे का स्टेज तो इतना साड़ा दूल्हा जोड़ा है मतलब जो दूल्हा वगैरह होंगे वो ही जाते एक जरा असा उच्चा करके बनाया हुए अगर नज़र आता कैमरे के स्टेप ही उच्चा है इतना दूल्हा या जोड़े उनके नाल खास दोस्त मेहमान आने तो वो इनके बराजमान होंगे मतलब इन्हें कुर्सियों पर बनन जोड़े रिश्तेदार क्योंकि दूल्हा साहब उतर गए हैं क्योंकि बरात की रवानगी का जोड़ा ये टाइम टाइम है तो तैयारियां बरात रवानगी दियाँ तो ये जो निज़ाम है ये इतना दूल्हा साहब बंद एक कुछ अपनी जबान स्टेज आते हैं बल्कि स्टेज हर कोई आते हैं असं भी स्टेज आते हैं तो ये सामने कुर्सियां वगैरह तो ये इंटर मुकम्मल व्यू है जैसे कोई अभी तक खुश आमदीद अजवाज टेंट सर्विस रेंट है मतलब जितने भी ये समान वगैरह ये किराए पर मिलता है तो इन एक मखसूस किराया होंगे जोड़ा मुनासिब होंगे तो सकू भी कें जाते शादी हाल वन की जरूरत नहीं पौती असा अपने घर के कि भी जितना खाली खेत मिले असा ये शादी हाल बना सकते हैं साडा अज का व्लॉग तो किए लगे कमेंट्स ही लाजमी दसो जो लोग सारे चैनल तक नए हैं सारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट्स करें बेल लाइकन लाजमी दबावन ताकि साढ़े आर आने वाले मजेदार वीडियो उन्हें तक पहुंचती रहा वाले चंद घंटे वास्ते आता है तो ये कोई बड़े खूबसूरत अंदाज नाल असा सजाया क्योंकि सारे जो मेहमान